क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स देखते हैं द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक निकल आयरन आर माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट टू थ्री एंड माइनस पॉइंट फोर फोर एक्सप्रेटिवली रिएक्शन एक्स प्लस टू वाई टू रिएक्शन एक्स प्लस वाई विल बी स्पॉन्टेन्स देन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपको रिएक्शन गिवन है जहाँ पर रिएक्शन है एक्स वाई टू से रिएक्ट होकर वाई प्लस एक्स टू बना रही है आपको इसको चेक करना है कि स्पॉन्टेनियस है तो इसके लिए हमें दो प्रोसेस है एक तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि इसमें हमें ऑप्शन में दे रखा है जिंक है निकल है आयरन है तो जिंक निकल को रिप्लेस करेगा जिंक आयरन को रिप्लेस करेगा तो उस बेस पर अपन रिएक्शन को टिक कर सकते हैं फिर भी हम इसके डाटा के बेस पर वे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हम इसका ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लें ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चलना पड़ेगा इसमें इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलें तो फर्स्ट ऑप्शन में एक्स दे रखा हमें जिंक और वाई गिवन है निकल इन दोनों की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें जिंक यहाँ पर एस ओ पी आ जाएगा इसका और निकल का हमें एस आर पी पुट कर दें हमें क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर ई नोड सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमें एस ओ पी बनाना है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस पॉइंट सेवन सिक्स प्लस साथ में हमें क्या गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम निकल और यही हमें गिवन है क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें गिवन है माइनस पॉइंट टू थ्री तो ई नॉट सेल यहाँ से वैल्यू निकल के आई पॉजिटिव वैल्यू सो ई नॉट पॉजिटिव है सो डेल्टा जी नेगेटिव इसका मीन्स ये प्रोसेज हमारा स्पॉन्टेंस प्रोसेज हो जाएगा और यही ऑप्शन में ऑप्शन ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन नंबर देखते हैं लीथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर द एज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इट्स यूनिट सेल इज थ्री फिफ्टी वन पिकोमीटर एटोमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है सोलिस्टेड से इसमें आपको एज लेंथ देकर और एटोमिक रेडियस निकालना है हमें यहाँ पर गिवन है लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर है बीसीसी स्ट्रक्चर में हम बात करें तो रेडियस इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट थ्री ए बाई फोर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एज लेंथ गिवन है और एज लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है थ्री फिफ्टी वन पिकोमीटर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें एटोमिक रेडियस इक्वल टू रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री एज लेंथ थ्री फिफ्टी वन अपॉन फोर हमने सोल्व कर लिया तो रेडियस इक्वल टू तो आ गया 152 पिकोमीटर और ये ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज एडजोपन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है एक तरह से फ्रेंडलीज एडजोपन आइसोथर्म पूछा है आपसे अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज बात करें तो क्या पढ़ा है आपने एक्स बाई एम इक्वल टू होता है के पी पावर वन बाई एन इसको हम ग्राफ से एक्सप्लेन करें ग्राफ हम देखते हैं एक्स बाई एम एन पी में ग्राफ कैलकुलेट करते हैं तो ग्राफ इस टाइप से आता है यहां पर देखें तो यहां से ये यह जो डाटा है ऑलमोस्ट स्टेड लाइन है सो एक्स बाई एम इज प्रपोर्शनल टू पी पावर वन यहां से इस ग्राफ को देखते हैं तो ये इंटरमीडिएट स्टेप आ रहा है यहाँ से ये लाइन कांस्टेंट आ रही है सो so, हम बोल सकते हैं एक्स बाई एम इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर यहाँ पर वैल्यू आ रही है वन यहाँ पर वैल्यू है जीरो सो एक्स बाई एम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर वन बाई एन सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है एक्स बाई एम इज़ प्रोपोर्शनल टू पी पावर जीरो जो हमें गिवन है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया सेकंड स्टेटमेंट गिवन है एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जो भी यहां गिवन है ये भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन गिवन है प्रोपोर्शनल टू पी पावर टू ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ करेक्ट आंसर सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेर बाई डिजोल्विंग वन ट्वेंटी ग्राम ऑफ यूरिया इन थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर इज वन पॉइंट वन फाइव ग्राम पर मिलीटर द मोलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है सोल्यूशन का और कंसनटेशन से रिलेटेड है आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन है हम यहाँ पर बात करें मोलाइट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट इन टू वन बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्वेश्चन में हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया 60 साथ में क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी से हमें वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं डी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम सो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी मास हमें यहाँ पर किसका लेना है सोल्यूशन का कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें डेंसिटी के सोल्यूशन की गिवन है तो मास ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेंसिटी डेंसिटी गेमन है क्वेश्चन में 1.15 ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर दें सो मोलाइटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट 120 ट्वेंटी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट 60 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमने यहां से कैलकुलेट किया है वन वन थाउजेंड ग्राम्स अपॉन वन इसको हमें लीटर में चेंज करना है इसे सॉल्व करें तो मोलाइटी इक्वल टू आ जाएगा 2.05 जो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 वन पीएच एच ऑफ पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिड एच क्यू इज थ्री द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ऑफ दिस एसिड इज बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है इसमें हमें कांस्टेंट निकालना है एसिड का हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है पी एच इक्वल टू थ्री इसे हम कंसनट्रेशन ऑफ एच एन कैलकुलेट कर लें कंसनटेशन ऑफ एच एन इक्वल टू कितना हो जाएगा टेंस टू पावर माइनस थ्री हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर वीक एसिड एच एन इक्वल टू रूड ऑफ के ए सी एच एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें टेंस टू पावर माइनस थ्री इक्वल टू रूड ऑफ के ए के हमें कैलकुलेट करना है सी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गे वन है पॉइंट वन बहुत साइड पर स्क्वायर कर दें तो टेंस टू पावर माइनस सिक्स इक्वल टू के ए इन टू पॉइंट वन सो के ए इक्वल टू टेंस टू पावर माइनस फाइव और ये ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन गे वन है सो करेक्ट आंसर इज टेंस टू पावर माइनस फाइव फोर्थ ऑप्शन